छोड़ना है, मेरा भी काम चला लो यार। बोला था मैडम, प्रियंका जी कांग्रेस आ रही है तभी आप खटी में आए हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में? कांग्रेस आ रही है उत्तराखंड में? उत्तराखंड के लोग उठ चुके हैं, ये मुख्य सब बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि जब कोरोना हुआ तो स्वास्थ्य की सुविधाएं कहाँ थी, ये लोग कहाँ थे, वो जानना चाह रहे हैं कि जो पलायन करके गए हैं, जो कमाते हैं, जो लॉकडाउन के समय यहाँ वापस पैदल अपने आप आने की कोशिश कर रहे थे, उनको उसकी मदद क्यों नहीं की? वो जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है, प्रियंका जी हिजाब पलायन यानी पलायन ऐसे क्योंकि यहाँ पे रोजगार पैदा नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीयत गलत है। सरकार की नीयत क्या है? लूटो, अपने बड़े बड़े उद्योगपति और पति मित्रों की मदद करो, और गरीब जनता मिडिल क्लास छोटे व्यापारी हैं, मैडम 1,00,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दावा है 1,00,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, चार धाम यात्रा के काम कर रहे हैं, तो उनके इतने सारे सारे दावे प्रधानमंत्री द्वारा जनता की मन की बात अगर सुने, यहाँ के किसानों से पूछे, यहाँ के मध्यम और छोटे व्यापारियों से पूछे, यहाँ की महिलाओं से पूछे, क्या पता चलेगा प्रधानमंत्री को? उन्हें पता चलेगा कि सब संकट में हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं, इनके 10,00,000 ने बनाया, दिल्ली में इंसान बाहर जाता है तो चलो बाहर जाते हैं, नौकरी ढूंढूंगे, ठीक है? तो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि यहाँ पे रोजगार पैदा नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीयत गलत है। सरकार की नीयत क्या है? लूटो, अपने बड़े बड़े उद्योगपति और पति मित्रों की मदद करो, और गरीब जनता मिडिल क्लास छोटे व्यापारी हैं, जो गरीब जनजातियाँ हैं, उनका भी अधिकार चाहिए।